हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हार कर और ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ गई है, जबकि उनके मुकाबले मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी पीछे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 का सियासी अखाड़ा भले ही हार गए, लेकिन इस हार से उन्हें बाजीगर बना दिया गया है। उनकी बाजीगरी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। 2 महीने पहले दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद शिवराज की फैन फॉलोइंग आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गई। इस वक्त सिर्फ ट्विटर पर उनके 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मजेदार बात यह है कि एक अनुमान के मुताबिक एमपी में करीब 5 लाख ट्विटर अकाउंट यूजर्स ही हैं। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान की फैन फॉलोइंग के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ और दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। 11 दिसंबर 2018 को चुनाव नतीजे आने के बाद 50 दिन में ही फॉलोअर्स की संख्या 1,60,000 से ज्यादा बढ़ गई थी। 11 दिसंबर से पहले हर महीने शिवराज के फॉलोअर्स बढ़ने की संख्या औसतन 35 से 40 हजार थी, लेकिन 11 दिसंबर के बाद से ये संख्या 80 से 85 हजार तक पहुंच गई। खास बात यह है कि एमपी में एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख ट्विटर अकाउंट यूजर्स ही हैं। बात करें अगर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स की, तो फेसबुक पर भी शिवराज सिंह चौहान बाकी नेताओं के मुकाबले कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हैं। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि सीएम कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ट्विटर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के सिर्फ 1,72,669 फॉलोअर्स ही हैं। क्या वाकई 13 साल सत्ता में रहे शिवराज सिंह चौहान कुर्सी जाने के बाद और लोकप्रिय हो गए हैं, या फिर कांग्रेस की बात माने जो कह रही है कि सोशल मीडिया में यूजर्स बनाने का कोई और खेल चल रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।